हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में जिस टाइप से क्वेश्चन पढ़े थे उसी टाइप का सेम है, सिर्फ सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज में चेंज कर दिया। ठीक है, लैंग्वेज चेंज है, हर लैंग्वेज से क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ले रहे हैं, ताकि इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको कोई भी प्रॉब्लम, लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप बना लें। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेम उसी तरीका से हम लोग बनाए हुए हैं। 3 दिनों में मिनटों की संख्या कितने घंटों में सेकेंडों की संख्या के बराबर है? समझ रहे होंगे, जस्ट लाइक जैसे हम लोग पीछे बनाए हैं, पिछले वीडियो में आप बनाए हैं उसी तरीका से था। 3 गुने कितना कर देना है, 24, 3 × 24। हम लोग चलाएँ किस में, घंटा में चेंज, घंटा से चेंज किस में हम लोग को करना है, मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए कितना से इंटू कीजिएगा, 60 से। समझ रहे होंगे। अब देखिए सेम उसी तरह से घंटा वाला, कितने घंटों में सेकेंड होता, घंटा के लिए एच ले लिए और सेकेंड के लिए कितना कीजिएगा, 60 × 60। समझ रहे होंगे। अभी देखिए कितना इजी वे में इस तरीका से 60 60 कैंसिल, और अगर हम लोग 12 से काटते हैं तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बार में होगा, 5। अब तो होगा नहीं, तो 3 दुना कितना हो जाएगा, 6 5 H। ठीक है, तो H इक्वल टू कितना हम लोग लिख सकते हैं, यानी घंटा, यानी 6 बटा कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए इस तरीका से हम लोग को ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कुल लिख सकते हैं, 1 पूर्णांक 1 बटा कितना है, 5। थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको 1 पूर्णांक 1 बटा 5 अगर घंटा दे दे, इसको मिनट में चेंज करना होगा, तो इसमें कितना से इंटू कीजिएगा, 60 से। कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 12 बार। ये आएगा से कितना मिनट आएगा, 12 मिनट आएगा। इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे दे दे इस तरह से पूर्णांक में हम लोग तोड़ लेंगे। ठीक है, 1 से 1 बटा कितना लिख सकते हैं हम लोग, 5। समझ रहे हैं, ये क्या हो गया, घंटा, ये मिनट वाला है। ये मिनट के हम किस में चेंज किए हैं, ठीक है, 1 बटा 5 घंटा के अगर मिनट में चेंज कीजिएगा तो हम लोग का कितना चलाएगा, 12 मिनट। ठीक है, अब यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि कितना हो जाएगा, 1 घंटा, और इसका कितना, इससे 60 में इंटू इस तरह से कर लीजिएगा आप यहीं, तब 12, यानी 12 मिनट। ठीक है, 1 घंटा कितना मिनट हो जाएगा, 12 मिनट। ए नंबर, अगर समझ में ना आए आपको चेंज करने के लिए, जैसे इस तरीका से दे दे, 2 पूर्णांक 2 बटा 3 है। समझ रहे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इतना घंटा है, यानी इसका मतलब हुआ 2 घंटा, और इसको चेंज करना है मिनट में, तो 2 बटा 3 के कितना से इंटू कीजिएगा, 60 से। समझने के लिए ले रहे हैं, तो 20, यानी 20 दुना कितना हो जाएगा, 40। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 घंटा कितना मिनट, 40 मिनट। ठीक है, इस तरीका से, अगर इस तरीका से हम लोग इसमें अगर चेंज करने के लिए रहता तब कितना लिख सकते हैं, 2 लिख दीजिएगा, 40 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा, 60। इससे इसको 2 आई कितना हो जाएगा, 3। इसी को लिख सकते थे 2 पूर्णांक कितना, 2 बटा 3। समझ रहे हैं, इसलिए जितना भी दे दे इस टाइप से तका करना है, गुना कर देना है। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा चेंज करके हम लोग एक क्वेश्चन अलग टाइप के लेते हैं, उसको देखिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा चेंज है। ठीक है, इसमें दिन में लाना है, दिया क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन समझ लीजिएगा पहले बारीकी से आप। 5 दिनों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, यानी पहले दिन दिया है, अब इसमें सबसे पहले किस में चेंज करना होगा, सेकेंड में लाना होगा। समझिएगा, 5 दिन दिया है, तो 5 दिन दिया है तो इसमें कितना से इंटू कीजिएगा, 24 से। क्या में चलाया, घंटा में। 60 से गुना किए, किस में चलाया हम लोग के, मिनट में, या सेकेंड दिया है तो फिर कितना से गुना कीजिएगा, 60 से, तो सेकेंड में चलाया। यहाँ तक हम लोग सेकेंड में पहुँच गए, सेकेंड में देखिए, तो कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, अब इस तरफ हम लोग के मिनट लाना होगा, तो दिन यानी डेज, डी से डिनोट कर लेते हैं, डे ले लेते हैं। ठीक है, अब मिनट होता कितना, तो इसमें सबसे पहले दिन दिया है, यहाँ तक दिन दिया है, 1 दिन में कितना घंटा, 24, तो इसमें सबसे पहले 24 से आप इंटू कीजिएगा। अब यहाँ देखिए हम लोग के घंटा में चला है, अब मिनटों दिया है, अब मिनट में दिया है, कितना मिनट होगा, तो कितना इसमें गुना हम लोग के कितना से कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, 60 से। बस यही इतना करना था। ठीक है, सॉरी, किसमें, कितने मिनटों में, कितने बोला है, 5 दिनों में सेकेंडों की संख्या, सेकेंड में चेंज कर लिए, कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, तो मिनट के, तो घंटा, और ये क्या कर लिए हम लोग, 60 से गुना कर दिए, तो किस में चलाया हम लोग के, मिनट में चलाया। समझ रहे होंगे कि कोई दिक्कत। अब देखिए इसको आसानी से आप बना सकते हैं, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल, 24 से 24 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो डे,
दे इक्वल टू कितना, 6 × 5 कितना 30, यानी कितना दिन हो जाएगा 300 दिन। ठीक है, आंसर क्या होगा 1। इस तरीका से आप आसानी से जितना भी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे।